दिल्ली दरिया हो गई है दरिया तो होएगी होना देखभाल नहीं है सरकार की हम ये करेंगे हम वो करेंगे कुछ भी वो नहीं है दरियागंज हो गया मटिया महल हो गया चांदनी चौक हो गया चितली कावर हो गया चूड़ी वालान हो गया अजमेरी गेट हो गया कश्मीरी गेट हो गया कहाँ तक के नाम गिनवाऊ मैं आपको पुरानी दिल्ली के अंदर कहीं पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी पानी नहीं है कितने देर से पानी नहीं आया कल से नहीं आया खाने पीने के सामान मिल रहे हैं खाने पीने का मिल रहा है बस वही महंगाई मिल रही है बस महंगाई मिल रही है टमाटर डेढ़ सौ रुपये भिंडी ये चीज सब चीज मतलब महंगी हो रही है कहाँ से गरीब आदमी खा लेगा यही परेशानी है बच्चे घर में बैठे हुए रास्ते रुके हुए हैं कहाँ से कमाए कहाँ से खाएँ अगर ये दो चार दिन और ऐसी हालात रही तो अभी हम दो सौ रुपये टमाटर खरीद रहे फिर चार सौ रुपये पाँच सौ रुपये टमाटर हो जाएगा वो जो बोतल पहले बीस रुपये की आती थी वो अभी साठ रुपये की दे रहे हैं वो भी ब्लैक में मिल रही है मैडम नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़ अभी हम मौजूद हैं राजघाट पर अब इधर का जो रोड है वो धौलक कुआ जाता है उधर जो सामने रोड जा रही है मेन हाईवे है वो दिल्ली की तरफ जाता है और नीचे आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो है पानी भरा हुआ है और यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ने के कारण दिल्ली में बाढ़ आया हुआ है बताया जाता है कि यमुना का जो जल स्तर है 205 सौ जो है वो खतरे का निशान है लेकिन फिलहाल जो है यमुना का जल स्तर 208 सौ पहुंच पहुँच चुका है इस वजह से दिल्ली के कई सारे सड़कों पर और कई सारे जगहों पर पानी भर आया है जिसके कारण यातायात काफ़ी बाधित है लोगों को कई सारी परेशानियां हो रही है ट्रैफिक लंबे लंबे ट्रैफिक हो रहे भारी ट्रैफिक के कारण लोगों को ऑफिस जाने आने में परेशानी हो रही है इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी यहां पर एक बस स्टॉप है इसके पास एक पोस्टर लगा हुआ है जी का भारत दो का जी का आइए एकता की भावना के साथ मानवता को केंद्र में रखते हुए वैश्वीकरण के लिए मिलकर कार्य करते हैं वसुधैव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर लेकिन ये है जो आप नीचे देख पा रहे होंगे पानी यह है दिल्ली की वन फैमिली और वन फ्यूचर आज जनता त्रस्त है लेकिन सरकार चैन की नींद सो रही है सरकार को कोई इससे मतलब नहीं है आपको बता दे तो लगातार लोग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर कई सारे लोगों का कहना है कि पानी तक बंद कर दिया गया है पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है और ब्लैक में लोग पानी खरीद रहे हैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे मीडिया कर्मियों को भगाया भी जा रहा है क्योंकि लगातार लोग मीडिया आ, कवरेज कर रही है इन चीज़ों को तो लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ए आने वाले हैं जायजा लेने के लिए इस चीज़ का तो इस वजह से मीडिया को हटाया जा रहा है खाली कराया जा रहा है रोड को इधर आप देखेंगे तो अगर दिखा पाए कैमरा तो दिखाऊंगी बैरिगेडिंग कर दी गई है आगे बैरीगेट लगा दिया गया है क्योंकि इधर जो है जल स्तर भर गया है और इधर जो है पीछे में क्योंकि पानी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है इस वजह से यातायात बाधित है यहां पर एक समय में काफी लोग भरे रहते थे जगह जगह लोग बैठे रहते थे इधर गाड़ियों का भी लगातार आना जाना रहता था चालू रोड था ये अभी जो है ये रोड पूरी तरह बंद कर दिया गया है क्योंकि पानी का जलस्तर बढ़ गया है इस वजह से इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया बैरीगेटिंग लगा के वहीं कुछ रोड ऐसे भी हैं जो सूखे हैं और जहां पे गहराई है वहां पे पानी भर गया है और कुछ रोड जो हैं वो थोड़े बहुत सूखे आपको दिखाई दे रहे होंगे लेकिन गहराई के साथ जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वो पूरा रोड जो है वो पानी से भर गया है हर तरफ पानी ही पानी है क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो दो सौ क्यूसिक के ऊपर जा चुका है इस वजह से कई सालों बाद दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं वहीं यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनके साथ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस बाढ़ के बाद उनको और भी किन चीज़ों के से परेशानी झेल रहे हैं क्या क्या मुसीबतें आ रही हैं ऑफिस जाना और दफ्तर जाना तो बंद हो ही चुका है यातायात में परेशानी तो हो ही रही है लेकिन निजी जीवन में क्या कुछ परेशानियाँ आ रही है ये कुछ लोगों से मिलकर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं इनसे बात करेंगे जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियाँ आ रही है माता जी क्या कुछ परेशानियाँ आ रही है बाढ़ आ गया दिल्ली भर गया दिल्ली दरिया हो गई तो है अब दरिया तो होएगी होगी हमें देखभाल नहीं है सरकार की हम ये करेंगे हम वो करेंगे कुछ भी वो नहीं है जीवता? सरकार कुछ नहीं कर रही है कुछ नहीं कर रही कुछ नहीं कर रही सरकार जब खाने पीने को मिल रहा है कुछ सहायता मिल रही है सरकार से नहीं नहीं मिल रही सहायता नहीं मिल रही वो झाँगने तक तो आ नहीं रहे हैं कि देखने आए पब्लिक क्या कर रही प्यासी है भूखी है क्या है कोई कुछ नहीं कोई पूछ रहा नहीं पानी सोना पानी बंद कर दिया है पानी बंद कर दिया है बिल्कुल ही पानी है ही नहीं कितने देर से पानी नहीं आया कल से नहीं आया कल से पानी नहीं आया न सुबह आया न शाम को आया ना सुबह आया, आया, आया आज सुबह खाने पीने के सामान मिल रहे हैं खाने पीने का मिल रहा है बस वही महंगाई मिल रही है बस महंगाई मिल रही है टमाटर डेढ़ सौ रुपए भिंडी ये चीज सब चीज मतलब महंगी हो रही है कहाँ से गरीब आदमी खा लेगा तो ना खाने को मिल रहा है ना पीने को मिल रहा है आ, पानी में डूब के मैं बिल्कुल नहीं मिल रहा पीने के लिए हाँ बाढ़ में मर जाओ और प्यासे मर जाओ बस ये कर रखा सरकार ने अच्छा किस तरह की मतलब आपको परेशानियाँ और क्या क्या परेशानियाँ आ रही है इसमें यही परेशानी है बच्चे घर में बैठे हुए हैं रास्ते रुके हुए हैं कहाँ से कमाए कहाँ से खाएं जब कमाएंगे नहीं तो खाना कहाँ से आएगा खाने अच्छा, बाढ़ के चलते ऑफिस भी जाना बंद हो बंद हो गया बच्चे घर में बैठे हैं आदमी भी घर में बैठे हुए हैं

बूट के कारण टाइम पे सिर्फ काम करते हैं उसके बाद फिर चले जाते हैं क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं मैडम झूठा आश्वासन है बस खाली फ्री वाला और कुछ नहीं है हाँ। फ्री वाला है और फ्री वाला सरकार जो आती है वो ऐसी होती है उन्होंने कह दिया कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे आप कर तो रखा है आपके सामने पीछे पानी भरा पड़ा है पूरा अब हाँ। कहीं जाने आने के नहीं है कुछ दिनों बाद अभी अगर ये दो चार दिन और ऐसी हालात रही तो अभी हम दो सौ टमाटर खरीद रहे फिर चार सौ सौ रुपये टमाटर हो जाएगा हाँ। क्योंकि अभी डीएनडी खुला है खाली और एक सिग्नेचर ब्रिज खुला है जहाँ से अभी गाड़ियां आ जा रही हैं हाँ। और वो भी उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने ब्रेक लगा दिया है कि भारी वाहन आना ही बंद हो जाएगा हाँ। कल से मुझे लग रहा है कल से आप ही के माध्यम से पता चला है मीडियम के है कि भाई कल से भारी वाहन दिल्ली में प्रवेश बंद है उसके हाँ। तो जब वो भी बंद हो जाएंगे तो अभी हम दो सौ रुपये टमाटर खा रहे हैं फिर चार सौ पांच सौ रुपये और वो मजबूरी हो जाएगी काम धंधा है नहीं हमारे पास हम लोग खाली खड़े हैं बस उसके बाद अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो और परेशानी हो जाएगी बाढ़ के कारण दिल्ली में लगातार ट्रैफिक बहुत भारी हो रहा है लोगों को दफ्तर आने जाने में काफ़ी तक तकलीफ हो रही है हाँ तो वो तो होगा मैडम ये आप सामने देख रहे हो आप रिंग रोड में पूरा पानी भर दिया पूरा भरा पड़ा है और ये मेरे ख्याल से जी टी के बाईपास से ही बंद है ये रोड हाँ। और इधर सराय काले खां से बंद है ये हाँ। बस डीएनडी डीएनडी खुला हुआ है बस और ये इधर से तो कोई गाड़ी आ भी नहीं रही जा भी नहीं रही सिर्फ एक लाल किले के पास से है दिल्ली गेट वाला रोड खुला हुआ है अगर थोड़ा पानी और बढ़ा दो चार पांच फुट पानी और ऊपर आएगा तो वो भी बंद हो जाएगा तो सरकार पानी निकालने के लिए कुछ कर नहीं रही है क्या कुछ भी नहीं कर रही मैडम अगर सरकार कर रही होती तो सब कुछ आपके सामने ही तो होता सरकार कुछ कर ही नहीं रही सरकार पानी की तो छोड़ो पब्लिक की भी नहीं सोच रही अभी बिल्कुल नहीं सोच रही अगर वो सोचती तो कम से कम एटलीस्ट जो बंदे काम पे नहीं जा रहे हैं तो उनके घर पे कुछ राशन वाशन की व्यवस्था करवाती या उनके खाने के लिए करवाती पानी की व्यवस्था करवाती ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा गाड़ियाँ आ जा रही हैं मगर पानी का कोई टैंकर दरियागंज के अंदर अब तक नहीं आया एक टैंकर नहीं आया दरियागंज के अंदर उन्हें ये पता है कि हाँ दरियागंज के लोग अभी दरियागंज हो गया मटिया महल हो गया चांदनी चौक हो गया चितली कावर हो गया चूड़ी वालान हो गया अजमेरी गेट हो गया कश्मीरी गेट हो गया कहाँ तक के नाम गिनवाऊँ मैं आपको पुरानी दिल्ली के अंदर कहीं पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये दरियागंज का हाल नहीं है ये जो मैंने आपको जगह गिनवाई है इन सब जगह का यही हाल है कितने आग, देर से पानी नहीं आया रात को आप ये समझ लो रात से ही बारह एक बजे से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा जब सुबह पाँच बजे नल का खोला है तो मैडम उसमें पानी ही नहीं आ रहा था बिल्कुल और अभी तक कोई पानी नहीं है जो पानी पड़ा है लीटर दो लीटर वो उसी से बस खाना पीना हो रहा है बस और वो भी जब तक चलेगा तब तक चलेगा नहीं तो उसकी व्यवस्था भी ख़त्म हो जाएगी पानी की तो पानी ख़त्म हो जाने के बाद क्या करेंगे आप फिर क्या करेंगे अब या तो जब तक बाजार में मिल रहा है तो बाजार में प्रोवाइड हो रहा है तब तक वहाँ से खरीदेंगे अगर वो भी व्यवस्था बंद हो जाएगी तो फिर तो आप तो दफ्तर जाना बंद है इनकम भी ठप ही है हाँ जी। उसके साथ ही पानी भी बंद है तो पानी भी खरीद के पी रहे हैं आप हाँ जी हाँ जी पानी भी खरीद के और वो जो बोतल पहले बीस रुपए की आती थी वो अभी साठ रुपए की दे रहे हैं वो भी ब्लैक में मिल रही है मैडम साठ रुपए साठ रुपए की दे रहे हैं जी वो बीस रुपए की बोतल बीस रुपए की बोतल साठ रुपए की मिल रही है ये तो अभी का हाल का ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बाढ़ का पानी बढ़ गया है तो उन्हें पता है कि पानी है नहीं तो उन्होंने बीस वाली बोतल साठ रुपए की कर दिया वो लेनी है आपको ज़रूरत है तो लो नहीं तो कोई बात ही नहीं कुल मिला के हाल ऐसा है कि पानी पानी में डूब के भी मरना है पानी के प्यास से भी मरना है महंगाई से भी मरना है तो इंसान अब क्या करे सरकार को, को कोई लेना देना नहीं है सरकार ने कहा था झील का शहर बनाएंगे दिल्ली को हाँ झीलों का शहर तो ही गया लोग बाग नहाएंगे अभी आगे नहा रहे हैं आगे शांतिवन पे नहा रहे हैं लोग बाग पानी में तो गंदगी इतनी दिख रही है पूरा कचरा तैर रहा है ऊपर ऊपर अब क्या करे जी जब पानी आ ही नहीं रहा लोग सुबह से नहाए धोए नहीं है तो वो इसी जमुना में यहाँ के नहा हैं बाढ़ के अंदर और क्या करेंगे गंदे पानी में तो क्या करे और रात को बारह बजे से पानी आ ही नहीं रहा तो अब वो बाढ़ के पानी में आ रहे हैं नहा रहे हैं यहाँ पर और नहीं मिलेगा अगर पानी पीने का तो थोड़े दिनों बाद इसी पानी को भर के लेके जाएंगे और फिर इसी को बाल उबाल छान छान के पियेंगे लोग किस कदर ये मतलब त्रासदी है कि ये गंदा पानी जो ऊपर देख पा रहे होंगे किस तरह से कचरा फैला हुआ है इसमें इस पानी में लोग नहा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में पानी की जो सप्लाई है वो भी बंद कर दिया गया है अब लोग पानी ब्लैक में खरीद रहे हैं जो पानी की बोतल बीस रुपये की आती थी अब वो साठ रुपये के मिल रही हैं जिनके पास पैसे हैं वो खरीद के पियेंगे और जैसे कि आपने सुना कि कैसे इन्होंने बताया कि अगर कुछ समय बाद पानी नहीं आया तो इसमें नहा तो रहे हैं अब इसी को ले जाके उबाल के छान के पीने को भी मजबूर हो जाएंगी यह हाल है दिल्ली की और दिल्ली सरकार चैन की नींद सो रही है क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं है जनता से कैमरामैन आशीष के साथ मैं ब्यूटी गिरी जनहित आवाज